साहब तो वो हमारा फॉर्मर मुख्यमंत्री रहा और उसका उसके नाम पे अब ये थर्ड टाइम टेबल टेनिस स्टेट टेबल टेनिस चैम्पियनशिप खिलाया जा रहा है, तो ये थर्ड टाइम हो गया। इसके लिए हमें अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमें बुलाया और उसका इनॉग्रेशन कर दिया, और ये अच्छा नेता था इस प्रदेश के लिए, देश के लिए, इस समाज को, इस सुंदर अरुणाचल बनाने में। और नेता को भी हम नहीं बोल सकता, सिर्फ फॉर्मर मुख्यमंत्री कालीकोपुर बोल के नहीं, जितने भी जो मुख्यमंत्री रहा, जितने भी जो मंत्री रहा, एमएलए रहा, हायर सेक्शन के सोसाइटी लोगों ने सब मिलकर अभी तक तो प्रदेश को अच्छा लेकर आया। और उसके बाद अभी हम लोग टीम अरुणाचल के सरकार पेमा खांडू जी के नेतृत्व में सी चेंज डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी के लिए फॉर्मर लोग का ये टेबल टेनिस का प्रेसिडेंट ये तीन बार हो गया, उसको कंडक्ट करता है प्रत्येक साल को ये टेबल टेनिस का चैंपियनशिप के लिए आयोजन करता है। इवेंट बनाने के लिए आप स्पॉन्सर करेंगे नेक्स्ट ईयर? वो हम देखेंगे, वो हम अभी मेंशन किया, वो हम मेंशन किया सेक्रेटरी के साथ, डायरेक्टर के साथ हम बैठ कर बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें मेमोरेंडम दिया गया है, उसके सोचेंगे। फर्स्ट लेट पुल सर जो स्पोर्ट्स को बहुत ध्यान देता था, खासकर यूथ्स के लिए बहुत सोचता था, और अभी का गवर्नमेंट भी नशा मुक्त, ड्रग्स मुक्त ये सब अभियान चला रहा है, तो यूथ्स लोग को अभी कहीं ना कहीं मन को डाइवर्ट करना है। तो हम लोग टीम ने डिसाइड किया कि पहले जैसे टेबल टेनिस बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, पहले से गवर्नमेंट का कैलेंडर ईयर है, तो टेबल टेनिस में कभी तक अभी तक किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो हम लोग सब टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग टेबल टेनिस को हम लोग बढ़ावा देता है और इसको आगे प्रमोट करता है, और इसको गवर्नमेंट से हम लोग कैलेंडर ईयर मांगने का सोच रहा है, और गवर्नमेंट भी पॉजिटिव ले रहा है सबको। सब लोग बहुत खुश है, आपने टेबल टेनिस शुरू किया, आपका टीम ने, तो हम लोग ज़रूर इसको कैलेंडर ईयर बनाएंगे, ओके। सब लोग बहुत खुश है, तो हम लोग भी वही लेट पुरुष सर को याद करने के लिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको टीटी के तौर पे हम लोग स्टेट में खिला रहे हैं। फर्स्ट टेबल टेनिस अरुणाचल जब हम अपना स्टेट नॉर्मल स्टेट चैम्पियनशिप कराते थे, तो वो अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन और हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमें फंडिंग करता था, एंड व्हेन वी गॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम द फैमिली ऑफ लेट कलीकपुल जी इन ईयर 2017 फ्रॉम मैडम दसंगलू पुल ऑन हर बिहाफ ऑफ हर फैमिली, वी एक्सेप्टेड इट। द देन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर महेश चाई जी, एंड ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस दैट टाइम, ही एंड वी द एग्जीक्यूटिव मेम्बर्स ऑफ टेबल टेनिस अरुणाचल एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ मैडम फैमिली मैडम पुल, एंड started organizing the Kalikapul Memorial State Championship. And the major part of funding is being done by the family member of late Kalikapul ji and the government of Arunachal Pradesh. So isme dono taraf se hame financial assistance milta hai, jiske chalte hum log players ko certificate ke sath prize money de pata hai. And since this is the third time we are organizing the state championship in the name of late Kalikapul ji, we have witnessed the rise of table tennis in the state. To isliye main family members late Kalikapul ji ke family members, khas kar main Dasanglu Pool ji ko bahut bahut dhanyawad dena chahunga aapke madam se ki aapne jo इसको अपनाया है, टेबल टेनिस को अपनाकर लेट सर का नाम में खिलवाने का जो सोचा है, उस सोच से आज स्टेट में बहुत टेबल टेनिस का गेम को गेम आगे बढ़ा है, कि आज जहां 30 प्लेयर्स जब इनरोलमेंट से हमारा टेबल टेनिस का स्टेट चैम्पियनशिप शुरू हुआ था, और आज कम से कम 100 प्लस प्लेयर्स हमें मिल जाता है, वो देन आपका है। अच्छा, मीडिया करने का इस बार एग्जाम्स के कारण हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट ने अपना इनरोलमेंट दिया है, और 4 इंस्टीट्यूशंस मुझे क्लियरली याद है, हमारा हिम इंटरनेशनल है, हिम इंटरनेशनल स्कूल, अपना नेरिस है, संगे लेडन स्पोर्ट्स एकेडमी है, और मियाओ स्पोर्ट्स एकेडमी है, वहाँ से लोग पार्टिसिपेट किया है, अपार्ट फ्रॉम 10 डिस्ट्रिक्ट्स। Yes, this is indeed always being a very tough question towards us. Keep
अच्छे प्लेयर्स निकालने के लिए हमें अच्छे कोचेस चाहिए. सी गवर्नमेंट ने हमें एसोसिएशन को एक कोच दिया था जो बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया. आई डोंट नो माइट बी सम पॉलिसीज आर टू बी मेड वेरी क्लियर. सो डिसकंटिन्यूएशन जो एसोसिएशन को कोच दिया था वो डिसकंटिन्यूएशन किया है. और हमारे पास अभी फिलहाल म्याओ में एक कोच है और यहाँ संगे लेडन में एक कोच है. दे आर ऑल्सो नॉट रेगुलर कोच है. उनको भी कंट्रेक्चुअल बेसिस में कोच दिया है. यस मैं भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें अगर परमानेंट कोचेस दे दें, अच्छा कोचेस दे दें, तो टेबल टेनिस विल डेफिनेटली रेस वेरी फार. एंड नाउ इंडिया में भी इस बार मैंने अपना गेम को जो देखा है जम्मू में, जो सीनियर नेशनल्स में देखा है, दो तीन स्टेट को तो हमारा स्टेट ने हराया भी है. दो हम मेन ड्रॉ में नहीं आ पाया है. सेलेक्शन ट्रायल में दो तीन जैसे अंडमान के प्लेयर्स को हराया है. और एक अपना नॉर्थ ईस्ट में से जो टॉप स्टेट है मणिपुर के प्लेयर को भी हराया है. तो ऐसे करके हमारा प्लेयर का क्वालिटी अभी दिखाई दे रहा है. अगर हमें सही में बहुत अच्छा कोचेस मिल जाएगा तो हम सही में बहुत अव्वल कर पाएंगे. स्टेट को लॉरल्स लाने में हम सक्षम रहेंगे. और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे टेबल टेनिस के पास है नहीं. हम कभी संगे लेडन और म्याओ को छोड़ के अभी हिम ने अपना शुरू किया है. अभी मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को बात किया हूँ. राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में अपना एकेडमी को हम साथ चलाने का राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को प्रस्ताव रखा है. दे एक्सेप्टेड इट. तो वेरी सुन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भी हम लोग शुरू करेंगे. ऐसे करके अगर हमें डेडिकेटेड इंडोर हॉल अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा. लास्ट टाइम आई मेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, आई मेट ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स ऑल्सो. दे अश्योर्ड फॉर गिविंग अस द इंडोर हॉल. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इंडोर हॉल देगा और हमारा प्लेयर्स अव्वल कर पाएगा. प्लेयर्स दे हैव द स्पिरिट टू प्ले और उनका पास क्षमता है. हमारा अरुणाचली लोगों में क्षमता है कि हर गेम में कंपीट कर पाएगा और टेबल टेनिस में खासकर बहुत अच्छा कर पाएगा. ये मैं उम्मीद करता हूँ. मैं अपना स्किल्स को देखता हूँ, अपना प्लेयर्स को. मैं पिछले बहुत सालों से देख रहा हूँ कि संगे लेडन से जो छोटे छोटे कैडेट्स आ रहे हैं, अपना हिम से आ रहे हैं, जो चंगलांग से आ रहे हैं, दे हैव दैट इंटरेस्ट. उन लोग कर पाएगा तो वो स्प्रिट है. उस स्प्रिट के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा कर पाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर हम अच्छा से सपोर्ट कर पाता है तो. और मीडिया वालों को फिर से दरख्वास्त करता हूँ, आप लोग जितना प्रचार अभी तक किया उससे बहुत अच्छा से और ज़्यादा पैमाने पे कर दीजिए तो और अच्छा बढ़ेगा. तो ड्रग्स छोड़ो खेल से जोड़ो अभियान जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है उसमें से हम आगे जोड़ कर साथ देते हैं. थैंक यू सो मच. लेट गलगो पुल. आई हैव प्लेड सो मेनी बैडमिंटन विथ हिम and he was such a energetic और स्पोर्ट्स को बहुत आगे बढ़ाने के लिए सोच रखता था. अरुणाचल को बहुत आगे बढ़ाएगा सोचा था उसने भी. उसका एक सपना था एक विकास अरुणाचल, और अरुणाचल का जो युवा शक्ति है वो आगे बढ़े, ऐसा करके उसका तमन्ना था. तो आज टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने उसका नाम से ये लेट कालिकोपुल मेमोरियल टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो है स्टेट का ऑर्गेनाइज कर रहा है. और ये तीसरा बार हो रहा है. दिस इज थर्ड लेट कालिकोपुल मेमोरियल बैडमिंटन चैम्पियनशिप. आई थिंक यू नो इट्स अ बिग बिग ट्रिब्यूट फ्रॉम टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश. एंड इसका जरिए कालिकोपुल का जो सपना कालिकोपुल ने जो सपना देखा था अरुणाचल का युवाओं के लिए, यूथ्स के लिए, उस हिसाब से ये सक्सेस होना चाहिए. और बहुत सारा लड़का अभी जिस हिसाब से पार्टिसिपेशन है, लास्ट टाइम ऑल्सो आई अटेंडेड दिस प्रोग्राम एज गेस्ट ऑफ ऑनर बेलेडिक्ट्री फंक्शन में, तो इससे ये जिस हिसाब से जिस जोश से लोग यूथ्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको देख के लगता है कि यूथ्स आगे बढ़ेंगे और स्टेट का नाम रोशन करेगा और बहुत सारा मेडल्स, नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स लाने का सक्षम रखता है. और टेबल टेनिस अरुणाचल में बहुत लेट स्टार्ट हुआ है लेकिन आगे बढ़ेगा, हम लोग ऐसा उम्मीद करेगा. और इट्स अ बिग ट्रिब्यूट फॉर लेट कालिकोपुल जी. और बहुत बहुत हार्ड वर्किंग और सिंसियर आदमी को हम लोग ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ अरुणाचल ने उसको ट्रिब्यूट दे रहा, ये बहुत अच्छा बात है. तो पिताजी को तो एज पीपल्स लीडर जाना ही जाता था और उनका स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स के वजह से भी जाना जाता था. तो आज के दिन वो जहाँ भी है हमको लगता है बहुत खुश होगा यहाँ सबको देख के. और भैया लोग को स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग का बिना ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था. और इतना साल से मदद तो हर तरफ से मिल रहा है मदद तो. पर ये मेनली जो मेरा माँ जो यहाँ खड़ा है उनका मेन कंट्रीब्यूशन जो माँ कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी पिताजी गुजरने के बाद अभी 5 टूर्नामेंट्स लगातार किया हुआ. तो इतना साल जितना भी दुख तकलीफ हो, कष्ट करके, मेहनत करके,
मैडम ने बिना छूट हर बार पिताजी का नाम रखा है, तो आज का दिन में पिताजी का नाम जीवित है और ये टूर्नामेंट आज हम लोग सब यहाँ पर है तो मैडम का कारण है। This is the third time we are organizing with only blessings of Madam Kul and family. This is the blessing that we have. Now, I am going to request our Mantri Ji to request that in this event, sir, you will be able to do this event today. This is a very good event. We will be able to do all the things that we have to do with our students, with our parents. Sir, दो पॉइंट देने का अगर ताकत हमें दे तो हमें बहुत खुशी रहेगा। आपको